कोटड़ा के उमरिया पंचायत के ग्रामीणों को राशन के लिए व नेटवर्क के लिए पेड़ों पर चढ़ने को मजबूर यहां के ग्रामीण। राशन के लिए भी चढ़ना पड़ता है पेड़ों पर। कोटड़ा पंचायत समिति के उमरिया पंचायत के क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या को लेकर ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा। यहां देश आज संचार क्रांति के दौर से गुजर रहा, वहीं लेकिन कोटड़ा के उमरिया पंचायत के ग्रामीणों को आज भी वही आज़ादी के पूर्व की स्थिति में जीने को मजबूर हैं। यहाँ देश 4G व 5G क्रांति संचार की चल रही, लेकिन कोटड़ा के उमरिया पंचायत जैसे राजस्व गांवों में नेटवर्क के लिए चढ़ना पड़ता है पेड़ों पर, जहां लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा। यहां आदिवासी बाहुल्य कोटड़ा मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर उमरिया पंचायत में राशन सेंटर पर भी नेटवर्क नहीं मिलने से लोगों को राशन डीलर को साथ पेड़ों पर चढ़कर पॉस मशीन से अंगूठे लगाने को मजबूर हो रहे यहां के ग्रामीण। साथ ही बीमारी की भी स्थिति में किसी को बुलाने के लिए या संचार के लिए विशेष रूप से पेड़ों पर चढ़कर ही सूचना दी जाती है, जिससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बोलो, आज़ादी के 75 साल बाद में भी कोटड़ा के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी भी नहीं है। कम से कम 10 से 12 ग्राम पंचायतें ऐसी है उसके अंदर आज भी मोबाइल कनेक्टिविटी किसी प्रकार की नहीं है, और कनेक्टिविटी मोबाइल कनेक्टिविटी नेट कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से लोगों को बहुत जो मूलभूत सुविधाएं हैं, राशन लेना है और ऑनलाइन कागज़ वगैरह करने हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी उमरिया के अंदर हमारा जो ग्राम पंचायत उमरिया है, खाखरिया है, वहाँ के लोगों को बिल्कुल ही भारी परेशानी है, और वहाँ पे मगरे में ऊपर पेड़ों के ऊपर चढ़ के फिर उनको किसी कनेक्शन वो कनेक्ट करना पड़ता है। और लोहारी बेड़ादर ग्राम पंचायत के अंदर बिल्कुल किसी प्रकार की नेट कनेक्टिविटी, किसी प्रकार की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ कोई किसी प्रकार की बड़ी घटना भी हो जाए तो प्रशासन को वहाँ पहुँचने के अंदर या प्रशासन को सूचना मिलने और की बहुत भारी दिक्कत होती है, जिससे बड़ी ट्रेजडी कभी भी घट सकती है। इसलिए इस प्रकार के जो क्षेत्र है वहाँ पे गवर्नमेंट को, प्रशासन को, शासन को नेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए या तो रेंज खोली जाए या फिर वहाँ पे मोबाइल कंपनियों के टावर वगैरह लगाए जाए, क्योंकि वहाँ पे सड़क सुविधा भी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, और लोगों को कई किलोमीटर दूर पैदल चल के फिर कनेक्शन में उसमें नेटवर्क में जाना पड़ता है। प्रशासन शासन से मांग है वहाँ पे